तो गुड इवनिंग गाइस, आपका स्वागत है हमारे आज के व्लॉग में। और हम आज मौजूद है सलमान सर के रूम पे। कुछ प्लान है कि हम लोग कुछ नया इनोवेटिव चीज बनाते हैं। और ऐसा इनका कुछ ये फ्लैट दिखता है, ये कमरा है जहाँ पे वो सोते हैं। और अहम काम हम लोग जो करने वाले हैं वो बनाने होने जा रहे वाला हैं बहुत ही दिलचस्प चीज, जो कि अखरोट मैगी। मैगी तो किधर है, ये रहा अखरोट और प्याज मिर्ची यहाँ पे काटे जा रहे हैं। और मैगी रहा ये तो मैगी नहीं, ये तो सुप यप्पी। तो ये हम बनाएंगे आज यप्पी, और उसके साथ हम डालेंगे अखरोट। ऐसा हम एक बेहतरीन सा चीज डिश बनाने जा रहे हैं। मसालों का हाँ, जखीरा भी है। मसाले हमारे पास दुकान लगा रखा है पूरा। बनाएंगे बेहतरीन डिश, देखते रहिए हमारे व्लॉग में, आप बने रहिए। और हम पानी आपको गर्म होने के लिए रख दिया गया है हीटर पर। पानी रख दिया गया हीटर पे गर्म करने के लिए, चम्मच चलाने के लिए है। ठीक है, अब इधर मसाले तैयार किए जा रहे हैं। ये इसमें कबूतर के अंडे हम डाल के एक बेहतरीन सी मैगी जो बनाने जा रहे हैं। और अखरोट यहाँ पे सफाई चल रहा है स्पेशल, तो वो अब इसको हम आपको अभी दिखाएंगे। एक मनुष्य किधर गया, ये मिर्च तोड़ने। और हमारा अपना गार्डन है सामने ही है, तो यहाँ से मिर्च मिर्च है, ढूंढना पड़ेगा सर आपको, ढूंढिए फिर भी। और टमाटर भी है, यहाँ से मिर्च चुराए जा रहे हैं। और ये मिर्च नहीं दिख पा रहा है सलमान सर को, तो हमें दिखाना हो तो और क्या, हमें क्या मतलब है, बड़ा हुआ या नहीं। और हमने कुछ मिर्च तोड़ लिए यहाँ से, ये ले गए हैं। हमें ढूंढना होगा आपकी कहाँ पे है टमाटर। टमाटर ढूंढ रहे थे तभी हमारे फैंस आ गए हैं इधर। और क्या कहना चाहेंगे आप लोग, दूर से आए, बहुत दूर से ये लोग आए हैं। ठीक है, टमाटर आखिर कहाँ पे है जिससे हम मैगी, स्पेशल जो मैगी हम बना रहे थे वो बन सके, अखरोट मैगी हम जो आज बनाने जा रहे हैं। पके हुए टमाटर नहीं मिल पा रहे, तो गाइस हम कच्चे टमाटर से काम चलाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा निकालो यही कच्चे, बहुत ज्यादा इंक्वायरी करने के बाद सीबीआई इंक्वायरी कराई गई थी। ये पकड़िए, अब देखिए गाइस ये टमाटर चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। इतने से हम काम चला लेंगे, तब तक हम चलते हैं अंदर किचन में, देखते हैं कि सलमान सर क्या कर रहे हैं। तो आ जाइए, दरवाजा बंद कर दो। और बच्चे गायब कर दिए टमाटर, हमें ये मिला है। लेकिन असल चीज है, जो असल मकसद है, ये कबूतर के अंडे हैं जिससे स्पेशल बनाया जाएगा मैगी। तो इधर प्रोसेस चालू है, अखरोट इकट्ठा कर लिए गए हैं और पानी अभी तक गर्म नहीं हुआ है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, अभी हम आपको आगे दिखाते हैं कि कैसे बना सकते हैं बहुत ही दिलचस्प, टेस्टी और बहुत ही लजीज अखरोट मैगी। प्याज मिर्चा काटा जा रहा है गाइस यहाँ पे, और सलमान सर अभी वही छिल रहे, कब से बहुत धीरे काम चल रहा है और पानी अभी तक गर्म होके नहीं दे रहा है। ऐसा है कुछ, पहली बार गाइस ये मैगी देख रहा हूँ मैं। इसको तेल में फ्राई करना होता है भाई, पानी ऑयललेस बना रहे हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री। देखो तो नहीं कौन से फ्री, ये टेस्ट फ्री हो ना हो जाओ। टेस्टलेस जिसमें बहुत बड़ा योगदान है अर्जुन सर का, मिस्टर एजी स्टाइल्स। ठीक है, अरे अब सूप नहीं बनाना था। अरे सब बनेगा, मजा आ जाएगा। आप लोग भी देखते रहिए, हमें लग रहा है कि ये सूप बना रहे, भूल मैगी बनाना था हमें, मैगी मैगी सूप वाला भी नहीं, वो बेहतरीन वाला जो पहाड़ों में बैठ के खाते हैं। नमक डालो, तो आप डाला जा रहा है नमक गाइस, स्वाद अनुसार कमे डलिया। इधर मैगी फाड़ ली गई है, इप्पी नूडल्स, इप्पी नूडल्स, सॉरी गाइस। अब जब मैगी बोला जाएगा आप एडिट कर लीजिएगा अपने तरफ से, इप्पी नूडल कर लीजिएगा। ये कहीं यार को बने, बोलो दो बनाओ, काफी है दो, रहने दीजिए बस, दो दो दो, अबे दो बजे, बहुत छोटा छोटा है, टेस्ट तो करना है कैसा बना, नहीं तो अच्छा भी तो बनना चाहिए, क्या पता खतरनाक सीख लेना। इसके बाद हम अखरोट डालेंगे गाइस इसमें, आप लोग देखते रहिए, बहुत ही टेस्टी एक मैगी का रेसिपी है जो हम आपको सलमान सर के जानिब से ये पेश है आप लोग के खिदमत में। पहले पानी बॉईल करना होगा कढ़ाई में, फिर उसमें आप थोड़ा सा अखरोट के साथ प्याज मिर्चा डाल दीजिए, जो कि हम लोगों ने कर दिया है। अब ऐसे पैकेट खोल के इसमें मैगी को, नमक भी डाल दिया है, नमक भी इसमें डाल दिया गया है गाइस। हमारे पास लाल मिर्च नहीं है, नहीं तो हम डाल देते। लाल मिर्च बाहर से तोड़ के ले आइए, नहीं बाहर नहीं, नहीं नहीं वो लाल मिर्च हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा सेब अगर डाल देंगे तो क्या कह रहे हैं, भाई इन्होंने गाइस एक सत्तू का क्लिप है मेरे पास, वो इसमें ऐड किया जाएगा। सब तो बनाया सर ने, पहले सेब को काटा, फिर टमाटर,
और उसी में फिर सत्तू घोल के डाल दिया, घोल के थोड़ा सा उसमें नमक डाल दिया, बहुत टेस्टी बना था दोस्तों, मजा आ गया था, इतना टेस्टी था कि बस मैं उल्टी करते करते रह गया। आप ट्राई कीजिए, आप बताइए। ठीक है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। पहले सेब को काटना है और फिर टमाटर, सेब टमाटर को काट के उसमें थोड़ा नमक डाल के और सत्तू में ऐसा बनाना है लिक्विड की तरह उसको पीने का। बहुत अब टेस्ट करके आप ही बताइए कि जहर है कि कुछ खाने लायक चीज है। नहीं नहीं, बड़ा बढ़िया बनाते, क्योंकि जो एप्पल होता है वो थोड़ा मीठा आ रहा था और जो टमाटर था वो खट्टा, और हमने नमक नमक डाल दिया तो नमकीन भी हो गया। उफ, बहुत बहुत। थोड़ा नींबू अगर हो आपके पास तो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप लोग ये रेसिपी, अभी कहाँ कार्यवाही पहुंची, यहाँ तक पहुंची है। ये गाज कैसा होने लगा, रिएक्शन तो नहीं हो गया कुछ अखरोट का? तोड़ के डालो ऐसे, हमारे पास वो वाली। ये स्पेशल ट्रिक है कि आप ऐसे चूरा बना ले इसका, नहीं तो लंबे लंबे सुडूप सुडूप करते रह जाएंगे, आप मुंह में कुछ आने को नहीं रहेगा। मैगी डाल दी गई है, उसमें काजू भी डाल दी गई है, काजू डाला गया है और अखरोट आपने देखा ही है, जैसा कि नहीं देखा, अखरोट भी डाल दिए हैं थोड़े से। हाँ, डाल दी है स्पेशल गार्निशिंग के लिए, ये थोड़े डाल दिए हैं, थोड़े गार्निश करेंगे, मजा आ जाएगा, मजे ही मजे। और अभी तक यहाँ कार्यवाही पहुंची है, यहाँ तक पहुंचा है मैगी, इसे देख सकते हैं गाइस, इतना बेहतरीन इसका कलर आ रहा है, इतना मतलब खुशबू, आप सूंघ के एकदम पागल हो सकते, मजेदार, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है ये। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता। सलमान सर की रेसिपी ये है कि भाप से भी बनाई जा सकती है। पानी, ऐसे पानी खाओ। देसी घी जो है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये देसी घी ऊपर से डाला जाएगा, डालिए सर इसे चम्मच से निकालिए, और ये देखिए मैगी का कलर, ओफ बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे मैगी बन रही है, और एक नए कैंडिडेट भी आ गए हैं, आप तो देखा होंगे पिछले वीडियोज में इन्हें, तो अब डाली जा रही है देसी घी। अरे पूरा डाल, ओहो पूरा डाल दीजिए सर, चम्मच ही घुसा दीजिए इसमें, तो एक ही जगह आ जाएगा। अरे वो तो पूरे मिक्स कर देंगे, पूरे डाल दी और डालिए, तो बस मिरिंडा भी डालना है ना गाइस? नहीं मिरिंडा नहीं डालेंगे, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे मिरिंडा मैगी। मिरिंडा मैगी, ओके। अगर इस वाले वीडियो पे अगर 100 लाइक कर देते हो तो सर मिरिंडा मैगी बनाएंगे, और ये बेहतरीन सी, ओह मतलब खुशबू के बारे में क्या कहें भाई, नहीं मतलब ये खाने की यार है, आ चुके हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? ये स्पेशल जो आप मैगी टेस्ट करने, खुशबू बताइए कैसा आ रहा है आपको, कैसा लग रहा है कि ये मानना पड़ेगा इस सलमान सर की ये काबिले तारीफ ये जो डिश बनाए हैं, ओहो। तो बस अब इसे निकाला जाएगा, स्पेशल वाले व्हाइट वाले प्लेट में निकालेंगे तो सुंदर लगेगा। जबरदस्त, अल्टीमेट, बहुत ही जबरदस्त रिव्यू रहा। अब हमारे पास हैं अर्जुन सर, जी बताइए कैसा है? बहुत लजीज है, बहुत जबरदस्त है, घी का स्वाद तो बहुत गजब आ रहा है, उसके साथ साथ मैगी का जो है जबरदस्त कॉम्बिनेशन हुआ। अच्छा ये बताइए अखरोट का टेस्ट आ रहा है कि नहीं? तो सही में बढ़िया बनाए, स्क्रिप्टेड नहीं था गाइस, वो आप लोग समझिए। अब हम असली टेस्ट करके बताएंगे कि आखिर में असली में ये मैगी कैसा लग रहा है, जितना देखने में सुंदर है या उतना खाने में भी है या नहीं। बहुत ही अच्छा, एक देसी घी का जो टेस्ट आ रहा है इसमें, और जो टमाटर जो चुरा के हमारे सर ले आए थे अर्जुन सर, और मिर्च बहुत ही लजीज बना हुआ है एकदम, मतलब बहुत ही ज्यादा टेस्टी गाइस। लूट पाट नहीं करना है गाइस, आराम से खाना है। कैसा बना, कैसा बना आप बताए? ये बेस्ट बना है, अगर आप कभी 5-star होटल पे जाएंगे तो आपको ऐसी ही ऐसी नूडल्स आपको खाने को नहीं मिलेंगे। शेफ अर्जुन सिंह, हाँ शेफ अर्जुन सिंह, बतौर बहुत अच्छा काम किया आपने, और मास्टर शेफ सलमान साहब इधर हैं, और मैं वीडियोग्राफर जो ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और स्पेशल थैंक्स फॉर अर्जुन सर देसी घी के लिए, क्योंकि मैगी का टेस्ट से ज्यादा कहीं देसी घी का टेस्ट इसमें।
हिसाब से थोड़ा ज्यादा डाल दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा मैस का खाना खा रहे हैं, तो थोड़ा हमें खाना एनर्जेटिक हो जाए, इसलिए एनर्जेटिक थोड़ा सा खाना हमें अच्छा नहीं मिल रहा है गाइस। तो गाइस आज का व्लॉग हम यही पेंड करते हैं, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो करिए लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अरे सलमान सर आप क्यों बर्तन धो रहे? मैं धो दे रहा हूँ, रुके दीजिए मुझे देखिए। मैं धो दे रहा हूँ सलमान सर, बात समझिए, आप हमारे सीनियर है सर, ऐसे थोड़ी होगा। आप दीजिए, मैं धो दे रहा हूँ, ठीक से धोइए।